हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक वीडियो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं जिसमें हमने यहाँ पर सॉरी ये अपडेट नहीं किया मैंने एक बार कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा अः देख लीजिए तो यहां पर तो पर बात करने वाले किससे रिलेटेड तो देखिए आज मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ और भागता हुआ नजर आया ओके और अब कल के दिन में क्या हो सकता है उससे रिलेटेड बातें करेंगे आगे का व्यू क्या होगा उससे रिलेटेड बातें करेंगे ताकि यहाँ पर

लगभग सत्रह सौ उनतीस रुपये का यहाँ पर देखिए हाई सत्रह सो उनतीस रुपए का हाई था ओके तो उसके बाद यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया तो इस चीज को भी यहाँ पर समझना है हमें और इसके अलावा हमें यहाँ पर देख लीजिए क्राफ्टन ऑटोमेशन क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन देखिए अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ नजर आया है तो ये सब चीज सीखने से आती है तो इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी हम बहुत जल्दी क्लासेस शुरू करने वाले हैं तब आप उस क्लासेस को अटेंड करके अच्छा खासा यहाँ पर नॉलेज ले सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जैसे की बात करें कि निफ्टी फिफ्टी यहाँ पर अच्छा खासा है यहाँ पर डाउन मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई दिया किसकी वजह से यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया था तो यहाँ पर हमने बातें बताई थी कि डो जोन्स में जो गिरावट थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो यहाँ पर देखने वाली थी थ्री परसेंट का यहाँ पर डो जोन्स पर गिरा गिरा हुआ हुआ था था ओके न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गिरा हुआ था मोस्टली तो सारी इन अमेरिकन मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा गिरी हुई थी तो वो यहाँ पर मार्केट को हमारी गिरना था तो आप अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी है निफ्टी फिफ्टी भी अच्छे तरीके से यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दी और गिरने के बाद उसी लेवल से बैक होती हुई नजर आई जहां पर सपोर्ट था तो ये सपोर्ट ये लाइन कोई हमने आ, आपको पहले नहीं खींची या मतलब कल नहीं खींची ओके इससे पहले बहुत टाइम पहले ही जितनी भी लाइन है ना ये देखिए खींची हुई है मार्केट गिरेगी इन्हीं इधर ही गिरेगी और मार्केट जब भागेगी इन्हीं लाइन्स के ऊपर से होके गुजरती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर देखिए मार्केट में गिरावट होती हुई दिखाई दी एक अच्छी राशि और गिरावट होने के बाद यहाँ पर टच किया टच करने का सीधे अच्छी जो ऊपर जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है अब क्या ये है इसका रजिस्ट्रेंस ओके इस लाइन को जब तक ऊपर सक्सेसफुली क्लोज ना कर दे तब तक तेजी बिल्कुल मत करिएगा नीचे की लेवल की बात करें नीचे यहाँ पर इसका सपोर्ट बना हुआ है और इससे ज्यादा मुझे मार्केट गिरती हुई दिखाई नहीं देती ओके और अगर बाय चांस ऐसा होता भी है तो याद रखिए फिर मार्केट में जो गिरावट होगी वो इसे सीधे यहाँ पर सब सोलह 16 और 16,700 ये दो लेवल की तरफ लेके जाएगी इस चीज को माइंड में रखिएगा और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं हमने जब टारगेट की बात करी है यहाँ पर निफ्टी के तो यहाँ पर कुछ बन रहा है यहाँ पर देखिए कप और ये हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है इसके बेसिस पे जो टारगेट है ना वो टारगेट बीस हजार सात सौ के आ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे तो मार्केट में आपको तेजी करके चलनी है बट बीच में ऐसे हर्डल्स आते रहेंगे ओके गिरावट हुई थी जब मार्केट में ओके तब तो उस टाइम भी यहाँ पर देखिए आपको लग रहा था कि मार्केट गिरेगी लगातार यहाँ पर गिरती हुई नजर आएगी बट लगातार नहीं गिरी थी चीजें ऊपर गई थी अब जब चीजें ऊपर जा रही है तो ओके तो यहाँ पर लगातार चीजें ऊपर नहीं जाएगी थोड़ी बहुत बीच बीच में गिरावट होती हुई नजर आएगी तो इस चीज को थोड़ा सा आपको क्या करना है ध्यान देना है अब आप यहाँ पर देखिए डोजोस डो फ्यूचर देखिए क्योंकि फ्यूचर दिन में चलता है तो लगभग बत्तीस हजार के बा, अभी ये चलता हुआ नजर आ रहा है और इसी के आसपास से चल रहा है तो हमने यहाँ पर डोजोन्स में जब कल फ्यूचर नहीं देखा था बट यहाँ पर ये यह देखा था हो, देखा था तो मैंने आपको बताया था कि इसका सपोर्ट जो नजर आता है वो सपोर्ट यहां नजर आता है कहते अगर मार्केट गिरी तो डोजोन्स एक बार एक दिन और शायद यहाँ पर गिरेगा और गिर के शायद बाउंस बैक देता हुआ नजर आएगा तो आज शाम को आपको देखना है कि एग्जैक्टली मार्केट में हुआ क्या है अभी फ्यूचर की बात करें फ्यूचर डाउन है ओके okay, लगभग दो सौ चौबालीस पॉइंट यहाँ पर डाउन नजर आता है आप एक परसेंट से भी कम डाउन है यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन होने के बाद एक क्या बना रहा है एक डोजी बनाता हुआ नजर आ रहा है अभी के हिसाब से ओके okay? और डोजी का मतलब क्या होता है डोजी मोस्टली टाइम ना जब यहाँ पर नीचे बनती है ना ओके okay? उस टाइम क्या होता है उस टाइम ये होता हुआ नजर आता है कि यहाँ पर से तेजी होती हुई दिखाई देती है बट उसके लिए इसका जो हाई है ना वो तोड़ना बहुत जरूरी है अगर इसका हाई तोड़ा तो तेजी होगी और अगर इसका डाउन तोड़ दिया बाई चांस तो याद रखिए गिरावट होगी और डोजोन्स की जो गिरावट है ना ये या तो यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है या यहाँ सपोर्ट नजर आता है सीधा तो यहाँ पर बीच में मुझे नहीं लग रहा फिर कहीं रुकेगा भी तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सोच के यहाँ पर चलते हुए दिखाई देना है आ, तो हम बात करें यहाँ पर डोजोन्स की तो ये इसे मत इसे अभी रियल मत समझिएगा ओके okay, डोजोन्स का जो आज का फ्यूचर ये तो फ्यूचर है फ्यूचर बिना फ्यूचर का जो मतलब मेन डोजोन्स है उसे यहाँ पर नाइट में देखिएगा अगर वो यहाँ पर नीचे गिर के बाउंस बैक देता है तो याद रखिए एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जैसे कि निफ्टी में यहाँ पर आज के दिन में होती हुई दिखाई दी है इसके अलावा यहाँ पर देखिए निफ्टी फिफ्टी में तो यहाँ पर ऊपर गया अच्छा खासा भागा भी मिड कैप की बात कर रहे हैं तो मिटकैप देखिए उसमें गिरावट हुई थी अच्छी खासी ओके और वो यहाँ पर ज्यादा नीचे नहीं गया था क्यों क्योंकि हमें समझ में आ रहा था पहले ही समझ में आ गया था निफ्टी गिरता हो, पहले ही गिर गया था और यहाँ पर मिड uh, कैप उतना गिरता हुआ नजर नहीं आया था इसने अच्छा खासा जो सपोर्ट था ना उसे सपोर्ट को रेस्पेक्ट करी और चुपचाप ठीट, ठीट, ऊपर चली गई और सेम यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये यह शेयर चल रहा था सीधे अगर गिरा वहीं पर ही सपोर्ट था उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और चीटें ऊपर आ गई और इस, आ, इसी जोन में चलती हुई नजर आ रही है और अभी मुझे लगता है कि निफ्टी फिफ्टी तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट करती हुई नजर आएगी बट स्मॉल कैप यहाँ पर भागती हुई नजर आएगी और भागने के बाद इसका सबसे पहले टारगेट यही है इस पर्टिकुलर पॉइंट को इसने निकाला सीधे यहाँ पर टारगेट ये सबसे पहले तो यही नजर आता है ग्यारह बट यहाँ पर जो टारगेट आ रहे हैं उसके टारगेट के हिसाब से लगभग ग्यारह हजार चार सौ ग्यारह हजार पांच सौ की जर्नी ये तय करता हुआ नजर आएगा तो आपको पूरा का पूरा जो व्यू अपनाना है उसी के अकॉर्डिंग अपनाना है और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी फार्मा तो यहाँ पर देखिए निफ्टी फार्मा यहां पर मुझे जैसे कि मैं कितने दिनों से आपसे बार बार कह रहा कि निफ्टी फार्मा चलता हुआ नजर आएगा निफ्टी फार्मा चलता हुआ नजर आएगा तो आज के से मुझे नजर आता है कि निफ्टी फार्मा यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है दोबारा और यहाँ पर देखिए चीजें ऊपर जाती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है क्योंकि जिस तरीके से गिरने के बाद पॉजिटिविटी इसमें आई है ना ओके जिस जिस हिसाब से इसके फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स चलना शुरू हुए ना वो बताते हैं कि निफ्टी फार्मा इज द नेक्स्ट